नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार उठापटक देखने को मिल रही है। जी हां, सियासी उबाल के बीच इस वक्त महाराष्ट्र गुजर रहा है। तो ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में आगे आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले अजीत पवार की जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। उसके बाद शरद पवार की भी लगातार ये बात कही जा रही है कि वो किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके बयानों में नजर आता है। तो एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन किसी हाल में हो सकता है। तो महाराष्ट्र में अगर सियासत गरमाती है तो इसके पीछे लगातार एक बड़ी वजह यही बनी हुई है। तो महाराष्ट्र में अजीत पवार के बीजेपी में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। खुद शरद पवार भी ये बात कह चुके हैं कि परिवार पर दबाव है, कुछ विधायक बीजेपी में जा सकते हैं लेकिन एनसीपी बीजेपी में शामिल नहीं होगी। इन सब के बीच सुप्रिया सुले का बयान सामने आया है। सुप्रिया सुले ने कहा है कि आगामी 15 दिनों में दो बड़े राजनीतिक विस्फोट होंगे। जी हाँ, एक बड़ा बदलाव इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में देखा जा सकता है और उसका जो उदाहरण है वो सुप्रिया सुले देती हुई नजर आ रही है। सुप्रिया सुले ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं जो है वो इस महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उबाल देखने को मिल सकता है। तो आगामी 15 दिनों में दो बड़े राजनीतिक विस्फोट होंगे, जो ये सुप्रिया सुले ने ये बात कही है। अब इसके पीछे आखिरकार क्या वजह है, ये आने वाले समय में देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। आपको बता दें सुप्रिया सुले ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि एक विस्फोट दिल्ली और दूसरा महाराष्ट्र में होगा। हालांकि ये विस्फोट कैसा होगा इस बारे में उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन फिलहाल उनके बयान के बाद एक बार फिर से राज्य का सियासी माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। एकनाथ शिंदे को लेकर के लगातार ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनका जो बीजेपी से गठबंधन है उसमें कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में लगातार उठापटक देखने को मिल रही है। उद्धव ठाकरे भी इस जो उठापटक का फायदा उठाते हुए कहीं ना कहीं नजर आएंगे। सुप्रिया सुले भी लगातार ये बात कह रही है कि दो विस्फोट होने वाले हैं, एक दिल्ली में और एक महाराष्ट्र में। तो उनके इस बयान को किस तरीके से देखा जाए ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो लगातार इस बात पर संशय इस वक्त बना हुआ है कि आखिरकार एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी में जो फूट की खबरें चल रही हैं, क्या आने वाले समय में उद्धव ठाकरे को इसका फायदा मिल सकेगा, क्या महाराष्ट्र की सियासत एक नया बदलाव लाती हुई नजर आएगी, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। आपकी इस मामले पर क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।